जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से पाकिस्तान काफी बेचैन है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुके हैं। यूएनएससी में भी पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी, इसके बावजूद पाकिस्तान शांत बैठने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच खबर है कि पीएम मोदी से बात करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमरान खान से भी फोन पर बात की है, जिसमें पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर पाकिस्तान में अब तक हलचल तेज है। यहां तक कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल तक बढ़ा दिया है। वहीं कश्मीर मसले पर कई देशों की भी भारत और पाकिस्तान पर नजर टिकी है। इसी सिलसिले में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को फोन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरान खान से फोन पर बातचीत की। इमरान खान से फोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि भारत के साथ द्विपक्षीय मसले बातचीत से सुलझाए जाएं। राष्ट्रपति ने इमरान खान को भड़काऊ बयानबाजी से भी बचने का आग्रह किया। ट्रंप और इमरान खान ने दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने और व्यापार सहित कई मुद्दों पर मजबूती से आगे बढ़ने पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। कुरैशी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप कश्मीर मसला हल करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं भारत साफ साफ कह चुका है कि कश्मीर पर तीसरा पक्ष कबूल नहीं है। इमरान से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की पीएम मोदी से करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। ट्रंप ने दोनों देशों के पीएम से एलओसी पर शांति बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय नेता भारत के खिलाफ अति उग्र बयान दे रहे हैं और ये क्षेत्रीय शांति के लिए ठीक नहीं है। सीमा पार आतंकवाद को हम हर कीमत पर रोकेंगे। भारत में पीएमओ की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दक्षिण एशिया में आतंक मुक्त माहौल कायम करने और इसके लिए मिलजुल कर काम करने पर विस्तृत बातचीत हुई। सीमा पार आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे से सहमति जताई। यानी कश्मीर मुद्दे पर बेचैन पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका से उसकी बयानबाजी को लेकर दो टूक सुनाई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।